नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं कि अगर आप अब जो है जेंडर, आप सभी को पता है कि बैन हो चुका है और जेंडर बैन होने के कारण आप जो है एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड दूसरी ऐप तो यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन एंड्रॉयड टू आईफोन या एंड्रॉयड टू iOS में फाइल ट्रांसफ़र करनी है आपको, तो वो किस प्रकार कर पाओगे, क्या कौन सी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होगी, आपने ढूंढने की भी कोशिश की होगी तो नहीं मिली होगी। तो हम आज की इस वीडियो में वही ऐप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जेंडर जो है वो बैन हो चुका है और अब हमें जो एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऐप ढूंढनी है जो कि बेस्ट सूटेबल हो और यानी बहुत सीमलेस डिज़ाइन हो ऐप का भी। ऐप का सीमलेस डिज़ाइन कैसा होगा, यूआई इंटरफेरेंस जो है वो थोड़ा इजी होना चाहिए, मेन चीज़ ये बोलना चाहता था मैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी ने एक नाम सुना होगा, एनीट्रांस। आपने, अब मैं याद दिला देता हूँ, आपने कहाँ पे सुना होगा। टेक्निकल गुरुजी पहले जब भी वीडियो स्टार्ट होती थी उनकी, तो एक स्पॉन्सरशिप की एड रहती थी एनीट्रांस करके, तो वो वाली जो ऐप है उसने अब उनके एंड्रॉयड और आईफोन में कस्टम एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी। पहले इनका जो है सिर्फ विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर हुआ करता था, अब ये जो है ये इन्होंने कस्टम एप्लीकेशन भी बना दी है एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। अब आप क्या करना है कि बेसिकली आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और आपको मैं इसके आगे का चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसके लिए आपको है ना अपने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डाउनलोड करनी होगी एनीट्रांस नाम की एक एप्लीकेशन। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि एनीट्रांस का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या ये ट्रस्टेड ऐप है या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एनीट्रांस जो सॉफ्टवेयर है इसका टेक्निकल गुरु जी जो है इन्होंने बहुत टाइम तक इसका जो है स्पॉन्सरशिप की थी, तो उस हिसाब से आप इस पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि इतने बड़े यूट्यूबर जो है वो आज इस कंपनी का जो है प्रमोशन कर रहे हैं। तो बहुत इजी है ऐप है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एनीट्रांस ट्रांसफ़र एनीथिंग टू एनीवेयर, इससे आप लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, किसी से भी कर सकते हैं। सिंपली आप लॉगिन एज गेस्ट कर लो, क्योंकि मैं भी हर बार लॉगिन एज गेस्ट करता हूँ। ये देखो, मैंने पुराने एक अपने ओप्पो F11 Pro से जो है ट्रांसफ़र किया था, ये सभी आ गए हैं। इसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट टू फ़ोन पे आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा, और आपको जो है आपका जो दूसरा फ़ोन है दोनों को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देना है बस, और स्कैन कर देना। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, जेंडर से तो आई थिंक 10 गुना ज़्यादा होगी। आप खुद एक बार यूज़ करके देखो इसको, तो आप खुद बोलोगे कि नहीं भाई, वाकई जो है कुछ स्पीड है और ऐप जो है जेंडर का वाकई कोई एक कंपटीटर है। तो जेंडर जाने के बाद में मेरे हिसाब से ये ऐप बेस्ट होगी आप सभी को यूज़ करने के लिए। तो आप इसको कर सकते हो, आप इसको आईफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड टू आईफोन, आईफोन टू आईफोन, और एंड्रॉयड टू कंप्यूटर, आईफोन टू कंप्यूटर, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये सभी आप चीज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको जानना है और स्कैन कर देना है यहाँ पे। जैसे आप स्कैन करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक देख लेगा और आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएंगे, और स्पीड बहुत सही है। आप एक बार यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो बस यही था। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही था आज की इस वीडियो में। चलो, टू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ड्रग्स रिस्पेक्ट वुमेन, जय हिंद, वंदे मातरम।